में डाला जाता है और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज पैदा करता है, और वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मीन्स उस एंटीबॉडीज की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज बनती कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है। आज आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आज आपको माइंड को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग कभी नहीं कर सकते। आज बहुत बहुत ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे, बहुत अच्छी बॉडी लिए हैं, लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए परेशान है और इसलिए इतना बीमार पड़ रहे हैं। तो एंटीबॉडीज पाने के लिए वैक्सीन के अलावा कुछ और सोर्सेज है जो मैं आपको बताता हूं, उसको आजमा के देखिए कैसे आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनती है। ऐसे दोस्त का फोन आ जाए ना और वो गाली दे के आपसे बात करे कि तू है कहाँ आजकल, तब बनती है एंटीबॉडीज आपके अंदर। वो जो खुशी आपके अंदर आती है उससे बनती है एंटीबॉडीज। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी प्यारी सी जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठहाके ला के हंस रहे हो और बहुत मजा आ रहा है अंदर अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़ मैं हूं ना, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आपका कोई दोस्त फोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, तब बनती है ये एंटीबॉडीज। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज बनाता है ना, ये इतनी जबरदस्त एंटीबॉडीज है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से जबरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों आपको इन एंटीबॉडीज की जरूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है यहाँ पर बॉडी से ज्यादा आप आपके माइंड को स्ट्रांग करना है, तो प्लीज आप लोग अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कुछ बातों पर अमल जरूर करेंगे और अभी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। आप करके देखिए, मेरी गारंटी है कि एंटीबॉडीज जरूर बनेगी, आपका इम्यून सिस्टम जबरदस्त स्ट्रांग होगा। अगर आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।